ओके लेट्स स्टार्ट बेटा। हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया हुआ था जर्नल का। हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू ऑन करेंगे। आज की क्लास जो हमारी होगी दैट इज मेनली अबाउट डिस्काउंट। इन टुडेज क्लास आई विल बी ओनली एंड ओनली डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट आता है, एक हमारे पास कैश डिस्काउंट आता है। ध्यान से दोनों चीजों को देख। ओके लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग आज की क्लास शुरू कर रहे हैं बेटा एक चीज के साथ में, जो चीज हमारे पास है दैट इज डिस्काउंट। जब मैं आपके साथ में डिस्काउंट की बात करता हूँ तो डिस्काउंट के बारे में व्हाट डू वी टॉक अबाउट। हम कहते हैं कि हमारे पास डिस्काउंट जो होता है ये दो तरीके का, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। दो तरह के डिस्काउंट कौन कौन से होते हैं बेटा? एक हमारे पास होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड एक हमारे पास होता है कैश डिस्काउंट। नाउ दोनों में फर्क क्या है, दोनों के यूजेस क्या है, ध्यान से इस बात को समझ। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो जिया दिया जाता है ऑन बल्क परचेस। किस पे दिया जाता है बेटा? ये डिस्काउंट हम लोग देते हैं बल्क परचेस के ऊपर। जबकि कैश डिस्काउंट हमारे पास वो डिस्काउंट होता है जो दिया जाता है ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। इन दोनों का क्या मतलब है मेरे पास, आप ध्यान से देख। सपोज बेटा मैं एक सेलर हूं, मैं क्या करता हूँ, मैं सामान बेचता हूँ, मैं सामान बेचता हूँ, मेरे पास दो लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं। एक बंदा आता है जो मुझसे एक पेन खरीदता है और एक बंदा आता है जो मुझसे 1 लाख पेन खरीदता है। दोनों में फर्क है क्वांटिटी के अंदर। वन पर्सन कम्स एंड ही परचेजेस 1 पेन फ्रॉम, द सेकेंड पर्सन कम्स एंड ही परचेजेस 1 लाख पेन फ्रॉम मी। तो मैं क्या करता हूँ, बिकॉज वो बंदा मुझसे इतनी ह्यूज क्वांटिटी में सामान खरीद रहा है, मैं उसको डिस्काउंट ऑफर करता हूँ। मैं कहता हूं कि आप एक दो पेन लेने की बजाय मुझसे 1 लाख पेन लेने के लिए आए हो, तो जो पेन सबको मैं 100 रुपए का बेच रहा था मैं आपको 10% डिस्काउंट पर बेचूंगा, दैट इज आई विल सेल यू द सेम पेन एट 90 रुपीज। ऐसा डिस्काउंट जो किसी के ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदने के लिए दिया जाता है उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज गिवन ऑन बल्क परचेज। बल्क में ह्यूज में जब भी किसी चीज को खरीदोगे तो वो किसके अंडर आएगा बेटा? ट्रेड डिस्काउंट के अंदर। इसका हमारे पास अगला एस्पेक्ट क्या आता है? अगला एस्पेक्ट जो हमारे पास इसमें आता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं कैश डिस्काउंट। नाउ कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट हमारे पास वो डिस्काउंट होता है जो प्रॉम्प्ट पेमेंट पे दिया जाता है। जैसे मान लो मेरे पास दो लोग आते हैं, एक बंदा मेरे पास आता है जो कहता है कि आप मेरे को सामान दे दो मैं आपको अभी पेमेंट कर दूंगा। सेकेंड पर्सन आता है वो कहता है मैं आपको पेमेंट जो है वो 1 हफ्ते बाद करूंगा। वन पर्सन कम्स टू मी, वो भी एक पेन खरीद रहा है। दूसरा बंदा मेरे पास आता है वो भी एक पेन खरीद रहा है। बोथ में परचेजिंग 1 पेन ओनली। पहला बंदा कहता है मैं आपको पेमेंट अभी दूंगा, ये पेन मुझे दे दो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि 100 रुपए का पेन है लेकिन बिकॉज आप मेरे को अभी पेमेंट कर रहे हो, आप उधार पे सामान नहीं खरीद रहे, तो मैं आपको क्या दे दूंगा, मैं आपको इस चीज के लिए कैश डिस्काउंट दे। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो प्रॉम्प्ट पेमेंट पर देते हैं कि आपने जिस टाइम की बात करी आपने उस टाइम हमारे को पैसे दे दिया, आपने उसको डिले नहीं। क्लियर होता है सबको? ये हमारे पास तो एस्पेक्ट्स होते हैं बेटा डिस्काउंट। अब याद रखने वाली बात क्या होती है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन इन जर्नल। ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल के अंदर शो नहीं करते हैं, जबकि कैश डिस्काउंट को इज शोन इन जर्नल। इसे कैश डिस्काउंट को जर्नल में दिखाया जाता है। इसका मतलब क्या है, मैं भी क्लियर करूं। साथ में ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में ना शो करने का मतलब क्या है बेटा? जब भी हम कोई एंट्री पास करते हैं, कैश टू कैपिटल, डेटर टू सेल्स, कोई भी एंट्री पास करते हैं, वहां पर ट्रेड डिस्काउंट के नाम से कभी भी नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट इज डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ गुड्स। जो भी किसी चीज की वैल्यू होती है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्टली हटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। मतलब अगर मैंने किसी को बेटा 10,000 की चीज बेची और उस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो मैं अपनी सेल ही कितनी की शो करूंगा, 9,000 की शो करूंगा, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ऑटोमेटिकली पैसा माइनस करके ही डायरेक्टली अमाउंट को लिखा जाए। 10,000 में से बेटा 10% का डिस्काउंट क्या होता है, 1,000। मतलब मैंने सेल कितनी कर दी होगी, 9।
मैं सेल कितने की शो करूंगा अपनी 9,000 की ही शो, जबकि कैश डिस्काउंट में ऐसा नहीं होता। कैश डिस्काउंट को प्रॉपरली जर्नल के अंदर शो किया जाता है, इसकी प्रॉपरली एंट्री पास करेगी। ये हमारे पास बेटा इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आता है कि जो दो तरह के डिस्काउंट है इनका मतलब क्या होता है और इनका फर्क क्या होता है आपको पता होगा। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, वी हैव ट्रेड डिस्काउंट, वी हैव कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदने में दिया जाता है। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो दिया जाता है आपने अभी पेमेंट कर दिया, आपने डिले नहीं किया। ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में शो नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को जर्नल में शो करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्टली गुड्स की वैल्यू में से माइनस कर दिया जाता है, कैश डिस्काउंट को आराम से शो किया जाता है। क्लियर होता है सबको ये पहला एस्पेक्ट? ओके, अब बेटा इसके सेकेंड एस्पेक्ट पर आते हैं। ध्यान से मेरे साथ देखना, मैं एंट्री की बात भी करूंगा आपके साथ में, मैं कॉन्सेप्ट की बात भी करूंगा आपके साथ। आओ देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपके साथ ट्रेड डिस्काउंट। हमें किसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के बेसिस पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो, ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड डिस्काउंट, हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज का जो भी आपका प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को माइनस करो तो आपकी सेल की वैल्यू आएगी और डायरेक्टली उसी से भी हम इसको रिकॉर्ड करें। क्या मतलब है इस पर? मान लो बेटा एक पर्सन है, पर्सन कौन है बेटा, राम एक पर्सन है। राम सामान जो है वो सेल कर रहा है, किसको सामान सेल कर रहा है बेटा, मान लो श्याम को सेल कर रहा है। देयर आर टू पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे पास एक पर्सन राम है एक पर्सन श्याम है। राम किसको सामान बेच रहा है, राम पर्सन जो है वो श्याम को सामान बेच रहा है। इसकी एंट्री क्या होती है, मैं राम की बुक्स पे बात करता हूँ और यहाँ पे मैं श्याम की बुक्स पे बात करता हूँ। मुझे एक बात बताना, राम जो है ये सामान को बेच रहा है, तो राम क्या हुआ, सेलर हो गया, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। राम जो है अगर सामान को बेच रहा है तो राम कौन हुआ, राम सेलर हुआ। श्याम अगर सामान को परचेज कर रहा है तो ये कौन हुआ, परचेजर हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब राम सेल कर रहा है शाम शाम को, तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है अगर सामान उधार पर बेचा जाए, डेटर टू सेल्स, मतलब राम की यहाँ पे एंट्री क्या होगी, राम के यहाँ पे एंट्री होगी श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यही एंट्री हमने क्लास में सीखी थी लास्ट क्लास में, कि क्या होता है सामने वाला बंदा हमारा डेटर बन जाता है, एसेट बन जाती है, और साथ में हम लोग टू सेल्स लिख देते हैं, हमारी इनकम बन रही है। श्याम के यहाँ पे क्या हो रहा है, श्याम जो है सामान को खरीद रहे, सामान को खरीद रहे तो ये बंदा एक्सपेंस कर रहा है, इसकी बुक्स में क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यही होगा। अब बात आती है ट्रेड डिस्काउंट का इसमें रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है। मान लो बेटा मैं कहता हूं किसी चीज का प्राइस कितना है, प्राइस 20,000, मैं कह रहा हूँ उधार पे खरीद है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये लो ऑन क्रेडिट, मैंने ये क्लास में बता रखा है, जब तक कैश या वो ना लिखा हो, बैंक ना लिखा हो, हमेशा क्या अज्यूम करते हैं उधार, जब तक आपके जर्नल बेटा फॉर कैश ना लिखा, फॉर बैंक ना लिखा, क्या अज्यूम करते हैं, उधार अज्यूम। ठीक है, एंट्रीज में दिक्कत तो नहीं है, श्याम टू सेल्स हुई और क्या हुई, परचेज टू राम हुई। मुनीर यहां तक कुछ पूछना है बेटा तो मुझे बताओ। अच्छा, सर प्राइस की बात करते हैं, मान लो बेटा 20,000 का सामान बेचा और इन्होंने बहुत बल्क में ये सामान को खरीदा और परचेज और खरीदा और बेचा वगैरह है, एंड इस पर्टिकुलर चीज के अंदर आपका ट्रेड डिस्काउंट कितने का है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट 10%। अगर मैं 20,000 का 10% निकालता हूं तो वो कितना निकलता है बेटा, मेरे पास 2,000 निकलता है। मतलब मैंने एक्चुअली में सामान कितने का बेचा, मेरी सेल्स वैल्यू क्या हुई, 18,000। तो मैं जर्नल में रिकॉर्ड भी कितने से करूंगा, सेल 20,000 से नहीं करूंगा, 18,000 से। ये परचेज कितने से रिकॉर्ड करेगा, 18,000। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन इन जर्नल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास ये होता है कि हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको हम लोग जर्नल में नाम से रिकॉर्ड नहीं करते, हम डायरेक्टली उसमें से वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके उसको लिख, देखो मैंने यही लिखवाया था आपको ट्रेड डिस्काउंट में क्या कहा था, नेवर शोन इन जर्नल
डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ गुड्स, और यहां पर हमने क्या करा है, डायरेक्टली गुड्स की वैल्यू में से उसको सब्ट्रैक्ट कर। अच्छा फिर बात करते हैं बेटा सेकेंड एस्पेक्ट जो हमारे पास इसके अंदर आता है, वो आता है कैश डिस्काउंट। किसका आता है बेटा, हमारे पास कैश डिस्काउंट का आता है। नाउ कैश डिस्काउंट में हमें एंट्री पास करनी होती है। क्या करनी होती है, एंट्री पास करनी होती है, मतलब कैश डिस्काउंट को उसके नाम से रिकॉर्ड करना पड़ता है। जब भी वैल्यू निकालते हैं पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस होगा, ये बात याद रखना। अगर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है कैश डिस्काउंट भी गिवन है, पहले क्या माइनस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट, फिर क्या माइनस करोगे बेटा, कैश डिस्काउंट। अब ये चीज कैसे होती है मेरे साथ ध्यान से देख, मैं एंट्री की बात भी कर रहा हूं, मैं अमाउंट की बात भी कर रहा हूं। उसी वाली चीज को लेते हैं, अपने राम श्याम वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। राम सेल्स गुड्स टू श्याम। अब मैं यहाँ पे ऑन ट्रेड लिखूं लिखूं दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, मैं फिर भी यहां लिख देता हूं बेटा ऑन ट्रेड, कैसे सामान बेचा उसने, उधार पे बेचा। तो हमारे पास कौन है, एक हमारे पास राम है और एक हमारे पास कौन है बेटा, श्याम है। हमारे को पता है राम कौन है, सेलर है, श्याम कौन है बेटा, परचेजर है। इतनी बात हमारे को समझ आ चुकी है। एंट्री क्या होती है हमारी, एंट्री होती है हमारे पास पहली वाली श्याम टू सेल्स, ये बात तो पता है हमारे को। और एंट्री क्या होती है हमारे पास यहां पर, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ये बात हम लोग सीख चुके हैं कि नहीं सीख चुके, दिस इज व्हाट वी हैव डन इन आवर अर्लियर क्लासेस। अब क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन कहता है राम जो है गुड्स बेचता है श्याम को क्रेडिट के ऊपर। गुड्स कितने के बेचता है बेटा, गुड्स सेल कर रहा है, मैं यहां पर इसको और इलांगेट कर रहा हूँ, गुड्स कितने के सेल कर रहा है बेटा वो, उसको 1 लाख के गुड्स सेल, कितने गुड सेल कर रहा है बेटा यहाँ पे वो, 1 लाख के गुड सेल कर, 1 लाख के गुड सेल कर रहा है, कैसे सेल कर रहा है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितने का दे रहा है बेटा, 10% का दे रहा है, एंड 2% कैश डिस्काउंट। ध्यान से इन वैल्यूज को देख लेना, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1 लाख का सामान बेचा जा रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 2% कैश डिस्काउंट पे। अब करना कैसे है, वैल्यू कैसे निकालनी, हमने क्या कहा ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में शो नहीं करना। तो हमारे पास प्राइस क्या था, हमारे पास प्राइस 1 लाख का था, ट्रेड डिस्काउंट कितने का है, 10%, 1 लाख का 10% क्या होता है, 10,000 होता है, मतलब हमने सेल्स कितने में करी बेटा, 90,000 में करी। तो हमारे पास अमाउंट क्या आएगा यहाँ पे, 90,000 एंड 90,000, खरीदने में भी क्या आएगा, 90,000 एंड 90,000। यहां तक किसी ने कुछ पूछा तो बताओ, मैंने कैश डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं करा। साथ में क्वेश्चन कह रहा है 2% का कैश डिस्काउंट भी है, मतलब जो मैं ये सेल कर रहा हूं 90,000 की, मेरे को 90,000 नहीं मिलने वाले, 2% का कैश डिस्काउंट मैं दूंगा, उसके बाद मेरे को जो पैसा है वो मिलेगा। 90,000 का 2% कितना होता है, 90,000 का अगर मैं 2% निकालता हूं बेटा तो ये 1,800 होता है, कितना होता है ये, 1,800 होता है, मतलब मैंने सामान तो बेचा 90,000 का, लेकिन मुझे पैसा कितना मिलेगा, 88,200 मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा बेटा मुझे, 88,200, मैं इसको लिख रहा हूं अमाउंट रिसीव। सर तो ट्रेड डिस्काउंट शुड ऑलवेज बी सब्सट्रैक्टेड फर्स्ट फॉलोड बाय कैश डिस्काउंट यस इफ पेड बाय कैश। यस, अगर आपके पास क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करता है कि क्वेश्चन में ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों है, तो पहले ट्रेड माइनस करोगे फिर कैश माइनस। ये कितना आ गया अमाउंट रिसीव, 88,200। अब इसकी एंट्री कैसे पास करनी है ध्यान से देख लेना। जब कोई बंदा मुझे पेमेंट करता है तो मेरे पास क्या होता है, कैश बढ़ जाता है। अगर मेरे को श्याम पेमेंट करेगा तो राम के पास क्या हुआ, कैश इंक्रीज हो जाएगा। कैश इंक्रीज हो जाएगा तो क्या कर देंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। और मिल किससे रहा है बेटा मुझे ये पैसा, श्याम से मिल रहे टू श्याम अकाउंट।
इस पूरे चक्कर में बेटा मेरे को मिलना कितना, 90,000 मिलना, लेकिन मैंने क्या कर दिया उसको, कैश डिस्काउंट दे दिया। जैसे ही मैंने कैश डिस्काउंट दिया तो मुझे 1,800 रुपए का नुकसान हो, क्या हो गया मुझे, 1,800 का लॉस हो गया। लॉस को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्या करते हैं उसको, डेबिट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बीच में क्या लिखूंगा बेटा, साथ में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझ लेना। श्याम से मिलने कितने थे, 90,000। श्याम के आगे क्या लिख दिया बेटा, 90,000। मुझे एक्चुअल में मिल कितने रहे हैं, 88,200। तो ये जो बैलेंस 1,800 रुपए है, ये क्या है बेटा, जो मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ये डिस्काउंट अलाउ मेरे लिए क्या है, ये डिस्काउंट अलाउ मेरे लिए एक लॉस की तरह है, इसीलिए मैं इसे क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इसको डेबिट कर, लाइक क्लियर होता है सबको। इसी की ही बेटा ऑपोजिट एंट्री यहां पर भी देखनी है, ध्यान से देख। अब सामान खरीदा इसने तो एंट्री पास करी परचेज टू राम। जब राम को पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इस बंदे को श्याम को क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है और इसको इस चीज का फायदा हो रहा है। इसने जहां 90,000 पे करने थे, ये कितने पे कर रहा है, 88,200। तो इसको फायदा हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है बेटा, तो हम यही चीज लिखेंगे। राम को पेमेंट कितने ही करनी थी, 90,000 की, पेमेंट कितने की कर रहे हैं, 88,200 की। तो इसे फायदा कितने का हुआ, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 18,000। ये होता है बेटा डिस्काउंट का ट्रीटमेंट खरीदने वाले की बुक्स में और बेचने वाले। किसी ने यहां तक कुछ पूछना है तो मुझे बता। इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, कैश डिस्काउंट रेट डिस्काउंट क्या होता है, कैलकुलेशन क्या है, एंट्री क्या है, कुछ पूछना है तो मुझे बताओ बेटा। मुनीर, सर बेटा मैं एक बार इसकी फोटो जो है वो ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, आई एम शेयरिंग द फोटोग्राफ इन द ग्रुप। ग्रुप एक बार इसको पढ़ के देख लो, आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, आप लोग इन तीनों पेजेस को पढ़कर देखो, फिर मैं एक इलस्ट्रेशन क्लास में कराऊंगा इसी की बेसिस के ऊपर, तब मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे आंसर, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं भी क्लास के अंदर कराऊंगा दोबारा। एक परचेजर होगा और एक सेलर होगा। ओके बेटा, आफ्टर वी डन विद द कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन से जो हमने पढ़ा है ये चीज और क्लियर हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से देख। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीना वॉच कंपनी दिल्ली परचेज 25 पीसेस ऑफ टाइम स्टार ब्रांड वॉचेस फ्रॉम पायनियर वॉचेस दिल्ली एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000 पर प्राइस। मैं साथ में कुछ चीजें यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में और आसान हो। जब भी क्वेश्चन को पढ़ो तो साथ साथ एक स्टोरी मन में बना लो। यहाँ पर कौन दो लोग इन्वॉल्व है बेटा, एक हमारे पास बीना वॉच कंपनी इन्वॉल्व है और एक हमारे पास पायनियर वॉचेज इन्वॉल्व। बीना वॉच इन कंपनी क्या है, परचेजर है, और ये आपकी पायनियर वॉचेस क्या है बेटा, ये हमारे पास सेलर है। ये बात सबको क्लियर होती है, एक सामान खरीद रहा है दूसरा सामान बेच रहा है। क्या बेच रहे हैं ये लोग आपस में, खरीद रहे हैं वॉचेस, खरीद रहे बेच रहे हैं। 2,000 पर पीस की वॉच है, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2% विद इन 15 डेज, पेमेंट विद इन 15 डेज डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। बीना वॉच कंपनी सेटल पेमेंट इन 15 डेज टाइम। याद करो बताया था ट्रेड डिस्काउंट कब होता है, जब बल्क परचेस करे, तो क्वेश्चन 2,000 पीस परचेस है, मैं क्लियर कि हाँ बल्क परचेस कर रहे हैं। साथ में कह रहे हैं कि 15 दिन में पेमेंट कर दोगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे लिखा है साफ कि बीना कंपनी ने 15 दिन पेमेंट कर दो, ये बात भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करना है, ध्यान से देखना। वैल्यू कैलकुलेशन यहाँ पे सिखाऊंगा, वहां पर हम लोग एंट्रीज पास करेंगे। एंट्री कैसे पास करनी है बेटा हम लोगों ने, पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे 2,000 प्राइस है और वॉचेस कितनी है टोटल, हमारे पास 25 वॉचेस है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 50,000 की आ जाएगी, 50,000। ट्रेड डिस्काउंट कितने का है हमारे पास, 10% का है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, 5,000। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 45,000। इस 45,000 पे कैश डिस्काउंट कितने का है, 2% का है। 45,000 का 2% निकालोगे तो ये 900 आएगा शायद,
एंड इट वुड कम आउट अमाउंट कितना रिसीव होगा, 44,100। क्लियर होता है सबको? जैसे हम लोगों ने वो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही है ये, सिर्फ और सिर्फ फर्क किस चीज का है बेटा, वैल्यूज का फर्क। अब आओ देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो वी हैव टू पार्टीज है, हमारे पास यहाँ पर दो पार्टीज है, उन दो पार्टीज के बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर बीना वॉच कंपनी है, ये बीना वॉच एंड कंपनी क्या है हमारे पास, परचेजर है, ये इसको खरीद रही है। दूसरी साइड कौन है हमारे पास यहाँ पर, पायनीर वॉचेस है। पायनीर वॉचेस क्या है बेटा, हमारे पास सेलर है। सो वी हैव दीज टू पीपल हियर, एक बीना वॉच एंड कंपनी है, एक पायनीर वॉचेस है, हमारे पास दो लोग गिवन है। इन दो लोगों के हमारे को यहाँ जर्नल एंट्री पास करनी है, ध्यान से देख। सबसे पहली चीज, बीना वॉच एंड कंपनी क्या है, परचेजर है। अगर ये परचेजर है तो पहले ट्रांजैक्शन क्या करेगी, सामान को परचेज करने ही करेगी। अगर ये सामान को परचेज करती है तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। साथ में किससे सामान परचेज कर रहे हैं, पायनियर वॉचेस से परचेज कर रहे हैं। पहले सिर्फ एंट्री को देखना, फिर हम लोग बाद में अमाउंट को भी एंटर कर देंगे। तो एंट्री क्या हुई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पायनियर वॉचेस अकाउंट। दूसरी चीज, यहां पर ये परचेजर है, खर्चा करता है, लायबिलिटी क्रिएट करता है। सेलर की बुक्स के अंदर क्या होगा, सेलर की बुक में डेटर क्रिएट होगा, एसेट आएगी। एसेट क्रिएट करने की एंट्री क्या होगी, बीना वॉचेस कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक की बुक्स में परचेज की एंट्री पास करोगे, दूसरे की बुक में सेल की एंट्री पास करोगे। एक बार आप परचेज की एंट्री पास कर लेते हो तो अगली एंट्री किस चीज की होती है, पेमेंट की होती है। पेमेंट की एंट्री क्या होती है, लायबिलिटी को खत्म करोगे, लायबिलिटी को खत्म करोगे डेबिट साइड के अंदर, पायनियर वॉचेस अकाउंट डेबिट। साथ में पेमेंट में क्या होगा, आपका कैश भी कम हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ये बात क्लियर होती है, पायनियर वॉचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमारे पास यहाँ पर एंट्री होगी। साथ में क्या है यहाँ पे, साथ में हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट इन्वॉल्व है। अगर साथ में हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट इन्वॉल्व है तो यहाँ पर ये कौन है बेटा, परचेजर है। परचेजर जब सामान को खरीदेगा तो इसको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलने को क्या कहते हैं, डिस्काउंट मिलने को डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, हमारे लिए प्रॉफिट होता है। अगर ये प्रॉफिट होगा तो उसे क्रेडिट साइड पे शो करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ऐसे यहां पर सेलर की बुक्स में एंट्री क्या होगी, सेलर ने यहां पर सेल की एंट्री पास कर दी, बिना वॉचेस कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब इसको पेमेंट मिलेगी तो इसका कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मिल किससे रहा है इसको, मिल इसको रहा है यहाँ पे बीना वॉच कंपनी से। और साथ में क्या हो रहा है हमारे पास, साथ में यहाँ पर डिस्काउंट इन्वॉल्व है, ये डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट अलाउ करा रहा है। डिस्काउंट अलाउ करवाना क्या है, इसके लिए लॉस है। अगर इसके लॉस है तो वो कौन सी साइड पर आएगा, वो हमारी डेबिट साइड पर आएगा। और जैसे हम लोगों ने अभी अमाउंट को कैलकुलेट किया था, मैं दोबारा शो करूंगा, अमाउंट की कैलकुलेशन में क्या कहा था, 50,000 का सामान बेचा, 50,000 में से हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट कितने का था, 10% का था। तो 50,000 का 10% क्या हो जाएगा, 5,000। मतलब एक्चुअल सेल कितने की करी, 45,000। ये परचेज करी 45,000, ये सेल करी हम लोगों ने 45,000। अब अगर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पायनियर वॉचेस को पेमेंट कितने की करनी है, 45,000 की करनी है, लेकिन हम पेमेंट सिर्फ कितने की कर रहे हैं, 44,100 की कर रहे हैं, बिकॉज 900 रुपए का क्या है बेटा, 2% का कैश डिस्काउंट। सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पे पायनियर वॉचेस की बात करते हैं, पायनियर वॉचेस क्या है, सेलर है। अगर पायनियर वॉचेस मेरे पास यहाँ पर सेलर है तो यहाँ पर पेमेंट मुझे कितने की आनी थी, पेमेंट मुझे 45,000 की आनी, लेकिन पेमेंट आ कितने की रही है, सिर्फ 44,100 की। 900 क्या है मेरे लिए, डिस्काउंट अलाउड। और हमने इसकी कैलकुलेशन को देखा था, कैलकुलेशन अगर क्लियर नहीं है दोबारा देख लेना। हमारे पास यहाँ पर सर बट कितने, क्या हम लोगों ने वैल्यूज क्यों नहीं लिखे, ट्रेड कौन से बैलेंस बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, फिर इसके बाद कैश डिस्काउंट जो रिसीव्ड है वो भी लिखना है ना सर। बेटा ये डिस्काउंट रिसीव लिखा तो है, यही तो कैश डिस्काउंट को रेफर करता है।
सर व्हाट अबाउट रेट डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट जर्नल में शो करते ही नहीं है, यही तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट किया था। और क्या किया था कि ट्रेड ओके सर, डिस्काउंट को जर्नल में शो नहीं किया जाता, वैल्यू माइनस करके शो करते हैं। वैल्यू तो 50,000 की बेची थी ना, लेकिन लिखा सिर्फ 45 है, क्यों? बिकॉज 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। यस सर, ये देखिए एक बार, ये हमने क्वेश्चन किया था पिछले वाला, जी सर, इसमें देख कहीं ट्रेड डिस्काउंट लिखा है हमने? कहीं पे भी नहीं लिखा, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन इन जर्नल, सिर्फ वैल्यू माइनस करके शो करना होता है। ओके सर, अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पर एक बार अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो हमने अमाउंट के लिए क्या कहा, हमने बेसिकली 25 पीसेस बेचे एंड ईच पीस कितने का है, 2,000 का है। तो हमने कितने का सेल करा, 50,000 का। इसमें से हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है 10% का। अगर हम लोग 10% का ट्रेड डिस्काउंट हटाते हैं, दैट इज 5,000 को हटाएंगे, तो हमारे पास एक्चुअल सेल्स कितने की हो रही है बेटा? एक्चुअल सेल्स जो हमारी हो रही है वो 45,000 की हो रही है। इसी 45,000 को रिकॉर्ड करेंगे पहली एंट्री में, परचेज के अंदर भी और सेल के अंदर भी। ये देखो, इसी 45,000 को परचेज और सेल में रिकॉर्ड कर रखा है पहली एंट्री के अंदर। उसके बाद क्या हो रहा है, टू कैश डिस्काउंट की बात आ रही है। कैश डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 2% का है। अगर हम 45,000 का 2% निकालते हैं तो वो 900 आएगा। मतलब एक्चुअल जो आपको अमाउंट रिसीव या पे कर रहे हो वो कितना कर रहे हो, 44,000। तो थाउजेंड सिंपली इस चीज का मतलब क्या? यस मुनीर बोलो। सर, 45,100। सो ये हमारे पास है 44,100, इसी को हमने शो करा। यही कैश पायनियर वॉचेस पे करेगा और यही कैश बीना वॉचेस को मिलेगा, 44,100। 900 रुपए का डिस्काउंट हमने रिकॉर्ड कर लिया और एक्चुअल पेमेंट या एक्चुअल रिसीव कितना हो, 45। क्लियर हो? दिस इज बेसिकली द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। अब जो मर्जी आ जाए हमने यही चीज करनी है। वैल्यू के लिए क्या करना है, पहले ट्रेड माइनस करेंगे फिर कैश माइनस करेंगे, एज सजेस्ट। एंट्रीज में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मुनीर एंट्री में कुछ पूछना है बेटा? नो सर, नहीं, फेयर में शो करनी, इसीलिए मैंने यहाँ पे करके दिखाई। इसको आप वर्किंग नोट के फॉर्म में लिखोगे, फेयर में करके दिखाई, ठीक है? मैं इसी पर ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ बेटा आप लोगों के, आई एम शेयरिंग इन द ग्रुप। फिर एक बार आपने ये सिलेक्शन खुद करके देख, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ।